वैसे इतनी गर्मी में चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वजन कितना घटा लिया है अभी तक? नहीं, मैं वजन घटाने की सोचूं उससे पहले जैसे आप जैसे सब मुझे बूस्ट अप इतना कर देते हैं, मारे खुशी के मेरा खून बढ़ जाता है और वजन घटने की बजाय बढ़ जाता है। मतलब आपके साथ तो मेरे वाला हो रहा है, जैसे हवा लगती है तो खुशी लग रही है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं से बात निकल के आई कि जो विपक्ष है वो इस बात के ऊपर मोहर लगा रहा है कि आज इंडियन नेशनल लोकदल की अगर आज चुनाव हो तो 17 से 20 सीटें आज इंडियन नेशनल लोकदल की आती है। मैं ये कहूंगी अभी तो हमने आधी रास्ता नापा है और जिस दिन कुरुक्षेत्र जाएंगे उस दिन जो 17 कह रहे एक आगे वाले एक की जगह 4 लगाना। कार में हूँ अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई इनेलो की तरफ से महिलाओं में खासतौर से पैदल यात्रा में अपना परचम सबसे आगे लहराने वाली सुनैना चौटाला हमारे साथ हैं। चलिए इनसे खास बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैम तबीयत कैसी है? गर्मी बहुत है, गर्मी तो नहीं लग रही है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। कितने किलोमीटर से पैदल चलते हुए आ रहे हैं? हमें कम से कम भी 1700-1800 किलोमीटर हो गए चलते। सोचना सपने में भी मुश्किल हो जाता है और आपने कर दिखाया है। आगे कितने किलोमीटर और जाने की तैयारी है? ये टोटल जो पैदल यात्रा है ये 4300 किलोमीटर की है। हाँ। और रोजाना हम 20 से 22 किलोमीटर जो है चलते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी बहुत खुश हूँ मैं। हाँ। क्योंकि महिला वर्ग बहुत बढ़ चढ़ के इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और अब और हमें इस बात का विश्वास दिला रहा है कि 2024 में अभय सिंह जी चौटाला को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वाकई बिल्कुल, इनेलो के जितने कार्यकर्ता हैं यहाँ पर भी जो है नजर आ सकते हैं। वैसे इतनी गर्मी में चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वजन कितना घटा लिया है अभी तक? नहीं, मैं वजन घटाने की सोचूं उससे पहले जैसे आप जैसे सब मुझे बूस्ट अप इतना कर देते हैं, मारे खुशी के मेरा खून बढ़ जाता है और वजन घटने की बजाय बढ़ जाता है। मतलब आपके साथ तो मेरे वाला हो रहा है, जैसे हवा लगती है तो खुशी लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगर आगे की बात करें तो पॉलिटिकली किस तरीके से असर देखती है परिवर्तन यात्रा का इनेलो के ऊपर? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल जिन्होंने नींव रखी आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, उन्होंने इस बात को बखूबी साबित किया और सिखाया कि संघर्ष, और हम तो जब चलते हैं तो ये कहते हैं संघर्ष का नाम चौधरी देवीलाल। जिन्होंने संघर्ष करके आजाद कराया हिंदुस्तान को, संघर्ष करके हरियाणा प्रदेश का निर्माण किया जी। आज राजनीतिक किसी भी दल में आप देखें उनके स्कूल के विद्यार्थी आपको मिलेंगे, चाहे बेशक उनके दल कोई भी हो। तो ऐसे में हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और संघर्ष करने की भी प्रेरणा वहीं से आती है, वहीं से मिलती है। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला 89 साल की उम्र में इस संघर्ष में हमारे साथ हमें हौसला देते हुए चलते हैं तो हमें बहुत हौसला मिलता है। अभय सिंह जी चौटाला के नाखून निकल चुके हैं और छाले भी पाँव में पड़ चुके हैं और जो विधानसभा में जो वो बोलते हैं, जो आवाज़ उठाते हैं जनता की, उससे हम सबको प्रेरणा मिलती है और मेरे साथ मेरी बहनें जो चल रही हैं उनसे भी प्रेरणा मिलती है। तो मैं यही कहूंगी कि ये इंडियन नेशनल लोकदल एक संघर्ष का रास्ता हमेशा चुनती है और संघर्ष करने वाले की हमेशा जीत होती है। फिलहाल प्रेरणा मिल रही है, जब ये यात्रा शुरू हुई तो कुछ ताने भी मिले थे खासतौर से अभय सिंह चौटाला जी के लिए और मतलब आप सभी लोगों के लिए कि भाई एसीओ में रहे हैं, एसी वाली गाड़ियों में चलते हैं, कहां धूप जब माथे पे लगेगी तो वापस से जो है ये यात्रा छोड़ करके अपने अपने घरों पर बैठ जाएंगे। अब उन लोगों को जवाब क्या देना चाहेंगे? देखिए, जवाब तो आप उन्हीं से लीजिए। हमने तो जो यात्रा की है वो स्वयं अपने आप में एक जवाब है, उनके लिए एक बहुत करारा जवाब है। और अभी तो कुरुक्षेत्र में जिस दिन पहुंचेंगे, आज मैं आपको एक लेटेस्ट बात बताती हूँ, कहीं से बात निकल के आई कि जो विपक्ष है वो इस बात के ऊपर मोहर लगा रहा है कि आज इंडियन नेशनल लोकदल की अगर आज चुनाव हो तो 17 से 20 सीटें आज इंडियन नेशनल लोकदल की आती है। मैं ये कहूंगी अभी तो हमने आधी रास्ता नापा है और जिस दिन कुरुक्षेत्र जाएंगे उस दिन जो 17 कह रहे एक आगे वाले एक की जगह 4 लगाना शुरू कर देंगे, इसका मतलब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार निश्चित है। क्या बात है। चलिए आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, चलते चलते थक चुके होंगे। सो भाई ये थी मेरे साथ सुनैना चौटाला, जहाँ पर जो है हमारे साथ पहुंची थी, कुछ सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। आपकी क्या राय है कि यात्रा इतनी गर्मी के अंदर जून जुलाई के महीने को क्रॉस करते हुए क्या सही ढंग से चल पाएगी? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार।